Value based questions of chapter perimeter and area. The question number 1 is On the occasion of Republic Day, a school organized a poster making competition for the students of class 6. The topic was national integration. Each child was given a square sheet of size 60 cm. They had to make a border of width 2 cm using the color tape and the remaining portion had to be divided into 4 equal portions to

सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है अब इस पर हमको क्या लगाना है उसको चारों तरफ से टेप लगाना है ऑफ टू सेंटीमीटर बिफ्त यानी इसके अंदर ही लगेगा और इसको फिर जो बचा हुआ पोर्शन है इसको चार पोर्शन में डिवाइड करना है ठीक है इस तरीके से यहाँ डिफरेंट डिलीजन की टीचिंग्स को लिखना है यह आपका साइड है तो क्वेश्चन वन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कलर टेप ठीक है अब इसमें हमको कलर टेप कितना लगाना है जो इसकी पेरीमीटर होगी यहाँ पर लिखेंगे साइड इक्वल टू सिक्सटी मीटर ओके तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू साइड पेरीमीटर इक्वल टू फोर इंटू साइड तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमको टेप कितना चाहिए इट मींस टू हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर मीटर नहीं है ये सेंटीमीटर ठीक है पहला क्वेश्चन ये था सेकंड इसमें कह रहा है कि तो ए था सेकंड कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर इन टू विच द शीड आर रिक्वायर्ड अब देखिए ये पूरा सिक्सटी है टू यहां से माइनस होगा टू यहां से माइनस होगा तो कितना रह जाएगा अंदर में फिफ्टी एट सॉरी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी माइनस टू तो लिखेंगे साइड ऑफ न्यू स्क्वायर सिक्सटी माइनस टू प्लस टू बोथ साइड से टू इसका कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको हम लोग किस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो यानी ये फिफ्टी सिक्स है तो ये दोनों हाफ पार्ट कितने हो जाएंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट तो हम लोग लिखेंगे द साइड ऑफ द स्क्वायर इंटू विच शीट हैज बीन डिवाइडेड द साइड ऑफ स्क्वायर शीट टू डिड मीन फिफ्टी सिक्स बाई टू इज ट्वेंटी बनेगा छोटा वाला इसकी साइड हो जाएगी ट्वेंटी एट और इससे हमको क्या मिलता है सी क्या मिल रही वट डू यू मीन वट डू यू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन इट इज ए टीम वर्क और द ग्रुप एक्टिविटी ओके क्वेश्चन नंबर टू देर वॉज इ डेजर्टेड लैंड नियर राजेशउस द कॉलोनी पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज ऑन दैट लैंड राजेशोंग हिज फ्रेंड कॉन्टेक्टेड दीपल ऑफ द कॉलोनी एंड दे ऑल डिसाइडेड टू डेवलप ए लैंड इन टू ए पार्क विद ए वॉकिंग ट्रैक ओके वे आर द चिल्ड्रन कैन प्ले एंड एल्डर्स कैन वॉक देखिए ये है डेजर्टेड लैंड की लेंथ कितनी है फिफ्टी मीटर ब्रेथ थर्टी मीटर और जो ट्रैक बनाया है वो बनाया है थ्री मीटर वाइड क्वेश्चन क्या है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द पार्क इंक्लूडिंग द ट्रैक, एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टीन पर स्क्वायर मीटर यानी हमको क्या करना है कि पूरे पार्क को लेबल करने में कितना रुपया हमारा लगा है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज फिफ्टीन पर स्क्वायर मीटर सेकेंड वाट वैल्यू राजेश है शोनियर तो वैल्यू इज क्या होगा लव फॉर एनवायरमेंट ओके केयरिंग फॉर एल्डर पर्सन देखिए लेंथ ऑफ दी पार्क कितनी दी हुई है फिफ्टी मीटर और ब्रेथ दी हुई है आपको थर्टी मीटर तो एरिया क्या होगा एरिया ऑफ पार्क होता है एल इंटू बी उसने कहा टोटल पार्क पर लेबल कराना है उसको तो फिफ्टी इंटू थर्टी इट इज इक्वल टू द फिफ्टीन हंड्रेड स्क्वायर मीटर ओके अब हमको इसका कॉस्ट निकालने कॉस्ट ऑफ लेबलिंग तो कॉस्ट कैसे निकलेगी रुपीज फिफ्टीन दिया है पर स्क्वायर मीटर फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन तो ये हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव और जीरो जीरो रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है और वैल्यू क्या है उसकी लव फॉर एनवायरमेंट ओके